सुधा प्रन्यास ने अवैध रूप से निर्माण किए 3 मकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया। पहले तीनों को नोटिस देकर अवैध निर्माण कार्य तोड़ने की चेतावनी दी गई थी, प्रतिसाद नहीं मिलने पर बुलडोजर चला दिया गया। गुंडेवारी अंतर्गत नियमित किए गए सोमलवाड़ा खसरा क्रमांक 114 पर पंसारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खसरा क्रमांक 159/10/11 और 96/3 की खुली जमीन पर पायल पल्लवी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में अवैध निर्माण किया गया था। सोमलवाड़ा में संत गजानन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के गुंटेवारी अंतर्गत मंजूर लेआउट में भूखंड पर अतिक्रमण किया गया था। तीनों प्रकरणों में संबंधितों को नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण कार्य नहीं हटाए गए। पश्चात सुमोटो PIL पर हाईकोर्ट से आए फैसले के अनुसार बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। NIT चेयरमैन मनोज कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में महाप्रबंधक निशिकांत सूके, अधीक्षक अभियंता प्रशांत भांडरकर, विभागीय अधिकारी अविनाश बड़गे, शाखा अभियंता भगवान कुर्जेवार, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक अजय जांबुलकर, अतिक्रमण विभाग प्रमुख मनोहर पाटिल के निर्देश और पुलिस बंदोबस्त के बीच अतिक्रमण तोड़े गए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।